तो हम बात कर रहे हैं एनएलएम के ना। अभी एग्जाम कैसा रहा आप लोगों का संडे वाला? अच्छा गया है सर। अच्छा था सर। तो बताओ मुझे मार्क्स बताएंगे आप? मुझे थोड़ा मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। बताइए आप। और ओवरऑल भी बताओ यार, ओवरऑल कितना है? औसत दृष्टि के कितने हैं? 268। टू सेवेंटी पीयूष, 225। पीयूष के फिजिक्स में कितने हैं? 96। आर्यन देशमुख, सन्निधि, चलो अच्छा ही है। वेदांत, संस्कार, अच्छा है। बाकी लोगों ने शेयर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। किसने किया? राहुल चतुर्वेदी, वेदांत। देवेश, श्रवणी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। और कौन है? समीर। चलिए, एनएलएम की बात कर रहे थे हम लोग। तो मैंने अभी आपको जो भी करवाया है वो स्ट्रेट पुली क्या है, स्ट्रेट है। अभी पुली क्या हो रही है? रोटेट नहीं हो रही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो जैसे कि ये एक ब्लॉक है और ये पुली है यहाँ और ये रोप है और ये पुली है। यहां भी ये पुली है लेकिन ये यहां सीलिंग पर ये ऐसे सस्पेंडेड है। यहां भी पुली है। ये जो पुली है, ये सारी पुली जो है आइडियल पुली है। ओके, यानी रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा था कि सर ये जो रॉप होती है यहाँ का क्यों नहीं लिया आपने? उस पॉइंट पर मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ का क्यों नहीं ले, इसका नहीं लेते हैं। क्यों लेंगे आप? ये देखो, जैसे ये रॉप है, ये रेड लाइन देखेगा आप, तो रॉप तो यही है ना। ये इस रॉप के लिए लगा रहा हूँ ना मैं, दूसरी रॉप के लिए कहाँ लगाया मैंने? ये इसी रोप के लिए लगा रहा हूँ, ये एक ही रोप है ना। तो रोप क्या है यहाँ? इनएक्सटेंसिबल है। हमारे पास रोप क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। इसी रोप के लिए बात करेंगे ना हम लोग। ये तो ब्लॉक आ गया है ना, ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम है। ये ब्लॉक बी मान लेते हैं, इसका मास कैपिटल एम है। और ये सीलिंग है हमारे पास में। तो इस ना तो इस रोप के बारे में बात करते हैं हम लोग, ना इस रोप के बारे में बात करते हैं, नहीं इस रोप के बारे में बात करते हैं, नहीं इस रोप के बारे में बात करते हैं। हम किस रोप के बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस रोप के बारे में, क्योंकि रोप तो ये है ना। ओके, यहां भी हमें इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, रोप में टेंशन चाहिए, है ना। फाइंड दी accelerations A and B and tension force in rope.
टेंशन फोर्स इन रोप, ये क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। ओके तो क्या करते हैं, यहां ए बी डी बनाते हैं इसका। ये हमारे पास पे सीलिंग है, ये टी, क्योंकि आइडियल है तो सब जगह टी क्या होगा, यहाँ सेम होगा, यहाँ टी, यहाँ टी, ठीक है, यहाँ टी, यहाँ टी, और ये पुली है, यहां भी टी और ये ब्लॉक यहाँ है, ये टी 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 और टी है ना, और उसके बाद ये रॉक, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, और ये ब्लॉक इन दोनों पुली के साथ अटैच है ऐसे। ये एम है, यानी ये ब्लॉक भी है, ये ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल है। ये क्लियर है भाई सबको? तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ब्लू लाइन ध्यान रखना है, ये ब्लू जो रोप है, ये रोप ब्लू है, तो इसी के लिए लगाएंगे हम लोग। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, है ना। तो पहले तो ये लगा देता हूं मैं। तो मैंने मान लिया इसका जो एक्सेलरेशन है, मैंने मान लिया नीचे बी है, और इसका जो एक्सेलरेशन है मैंने मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में ए है। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की, मैं इस पॉइंट की, इसको ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं, है ना। तो देखो यहां से स्टार्ट किया मैंने, तो आप देख रहे हो कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, तो क्या लिखोगे, टी इंटू ए ना, ये पुली देखो रुका हुआ है, ये जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो। अब आ गया हूं मैं यहाँ, आप देख रहे हो कि ये पुली, इस पुली का एक्सेलरेशन वही होगा जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, यानी जो इसका एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ बी होगा, तो इस पॉइंट का भी बी, इस पॉइंट का भी बी, लेकिन टी किधर है, ऊपर, क्या लिखेंगे, माइनस टी बी, माइनस टी बी, यानी इन दोनों का लिख लिया। अब आते हैं यहाँ, ये जीरो, ये जीरो, क्योंकि मुंह नहीं कर रहा, तो जीरो प्लस जीरो। फिर आते वापस यहाँ, यहाँ देखो वापस से, ये पुली देखो इससे डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या है, बी, है ना, इसका भी इधर क्या डाउनवर्ड, बी, क्या लिखोगे, माइनस टी बी, माइनस टी बी। फिर ये देखो यहाँ फिक्स है, क्या लिखोगे, जीरो इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया पहले तो, तब तो आगे बात करें। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टी यहाँ जीरो नहीं है, टी जीरो नहीं है तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू फोर बी, इक्वेशन नंबर वन। यानी ए और बी का जो एक्सेलरेशन है उसमें ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। ओके उसी तरह वेलोसिटी का भी एक रिलेशन ये हो जाएगा, वेलोसिटी के केस में भी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास में ये रिलेशन आ गया है, तो अब आप देखो इसका, देखो इस बॉडी को, इस पूरे को, क्योंकि मैंने कहा कि पुली जो है वो आइडियल है, तो पुली का मास तो जीरो ही है, यानी इन दोनों पुली का मास क्या है, यहाँ जीरो है, सिर्फ मास किसका हमारे पास में है, इस ब्लॉक का है। तो क्या लगाएंगे, एफ इक्वल टू एम ए, एफ कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो जाएगा एम इंटू जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको वेट लगेगा ना, और ऊपर कितना लग रहा है, देखो यहाँ इस पुली पर टी 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 टी, फोर टी लग रहा है, एक टी यहाँ देखो, एक टी यहाँ देखो, एक टी यहाँ देखो, एक टी यहाँ देखो, तो माइनस फोर टी इक्वल टू
एम इन टू बी इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन हमारा यहाँ है। फिर इस ब्लॉक का देख लो बाप, इस ब्लॉक पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, डाउनवर्ड लग रहा है एम जी, क्या हो जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर थ्री, आप देखो अननोन कितने ए बी और टी, तो जितने अननोन है एटलीस्ट उतनी इक्वेशन सही होती है। ये बात समझ में आई अगर समझ में आई तो आगे की बात करूं मैं। ये बात समझ में आई हाँ, और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, मान लो ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये सब कुछ स्मूथ है, यानी आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, ये मास मान लेते हैं m, ये मास मैंने मान लिया 2m, ये मास मैंने मान लिया m, ये a, ये b और ये c, ये ब्लॉक है हमारे पास में। यहां भी सेम भाई, फाइंड दी accelerations of blocks A, B and C and also find the tension force in rock. Okay, ये पुली हमारे पास में, ये पुली यहाँ फिक्स है, तो ये भी फिक्स है, ये पुली भी फिक्स है, ये पुली मूवेबल है, लेकिन ये मासलेस पुली है, आइडियल बोल रहे हैं ना, रोप में कोई मास नहीं, रोप इनएक्सटेंसिबल है, रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर से करते हैं इसको, ये आप लोग ट्राई करेंगे, अब इसको ट्राई करें ना, मेरी आवाज आ रही ना। ब्लॉक बी का मास कैपिटल एम है ना? हाँ ये कैपिटल एम लिया है, ठीक है, ब्लॉक बी का मास मैंने कैपिटल एम लिया। आप तो मुझे इक्वेशंस बना के दिखा दो उसमें क्या, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता दो उस हिसाब से, फिर मैं देख लूंगा क्या बनेगी, ठीक है। हाँ बोलिए। तो वो पहले वाले एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट समझा नहीं, वापस समझ रहे ना? कौन सा पार्ट समझ में नहीं है आपको? तो a is equal to 4b वाला, ये यहाँ से है ना? तो हाँ सर, ये वाला मुझे एक बार समझा नहीं, वापस समझ रहे ना? देखो ना यहाँ से, यहाँ से देखो आप, ये इस ब्लॉक से देखो आप, वैसे समझ लो इस ब्लॉक से स्टार्ट किया था मैंने, रोप को देखो पहले, रोप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना भाई, इस पॉइंट से रोप स्टार्ट हो रही है, और ये रोप ऐसे जा रही है, ऐसे इस पुली से होती हुई, मतलब यहाँ से रोप थी, ये रोप यहाँ से होती है, इस पूरी रोप की बात कर रहा हूँ मैं, और ये रोप यहाँ से होती हुई, ये रोप यहाँ से होती हुई, और यहाँ से होती हुई रोप यहाँ जा रही नहीं, पहले तो ये क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट किया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेन मैंने इसका, देखो इसको ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, इसको टी नीचे लग रहा है, इसका क्या लिखेंगे, टी इंटू ए लिखेंगे नहीं इस जगह का,
ब्लॉक के यहाँ का, और यहाँ का यहाँ का जीरो हो गया ना, ये देखो फिर यहाँ आया मैं, यहाँ टी ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन तो नीचे है, इसका भी नीचे उसका भी नीचे है, क्या लिखेंगे माइनस टी बी ना, फिर यहाँ चला गया मैं, इसका जीरो और इसका भी जीरो इन दोनों का, फिर यहाँ आ गया, इसका नीचे की तरफ बी है तो क्या लिखा माइनस टी बी ना, क्योंकि टी ऊपर है और इसका क्या है यहाँ जीरो ना, बस सॉल्व कर लिया। ओके सर। नहीं सुन रहा अभी भी? समझा सर। और वैसे कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चन लूंगा, जैसे ये लिया अभी और क्लियर हो जाएगा, तो एक बार ट्राई तो करो उसमें क्या। हो गया हो गया ना? हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, अब समझ लेते हैं फिर पूछते हैं किस किस का सही रहा। तो मैंने मान लिया इसका जो एक्सेलरेशन है ए, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया डाउनवर्ड बी है ना, यह तो इधर ही जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो ए इधर जा रहा है, और सी का मैंने मान लिया ऊपर की तरफ है, सी एक्सेलरेशन है किसका, ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया,
इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ मान लिया और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने राइट साइड में मान लिया क्योंकि उधर ही है, उधर ही जा सकता है। तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ ये पुली है, तो देखो इसको टी इधर लग रहा होगा, ध्यान से समझिएगा इसको देखो, और इसको टी ऐसे लग रहा होगा, ये ए और इसका मास है एम है। इसको टी लग रहा है, इसको भी टी लग रहा है क्योंकि आइडियल है तो सब जगह एक ही रोप में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ भी टी और ये ब्लॉक है यहाँ। अब ध्यान से सब आपस से समझ लेते हैं, है ना, ये बी ब्लॉक है और ये टी है, ये पुली यहाँ है, ये फिक्स है यहाँ, और यहाँ ये टी है और यहाँ भी ये टी है और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 2M है हमारे पास, ये बी है और ये सी ब्लॉक है। हमने माना कि ये इधर जा रहा है ए से, ए एक्सेलरेशन से, ये इधर जा रहा है बी से और ये ऊपर की तरफ जा रहा है सी से। फिर से समझ लो, इस रोप का कोई लेना देना नहीं है, इस रोप का भी कोई लेना देना नहीं है। हम किस रोप के लिए लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे इस रोप के लिए, इस रोप के लिए बात करेंगे हम लोग यहाँ, सिर्फ और सिर्फ इस रोप के लिए। हम लोग इस रोप के लिए बात करेंगे भाई, जिसको डाउट है उसको क्लियर है ना ये पॉइंट, इसके लिए बात करेंगे इस रोप का इस एंड से और इस एंड के बीच में बात करेंगे, है ना, किसके इस एंड और इस एंड के बीच में बात करेंगे, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। इस रोप का पार्ट है क्या है, थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए, जितना बुद्धि भी आपके पास में उस बुद्धि को लगा के सोचिए कि क्या इस रोप का और इस रोप का, इस ये जो बड़ी सी रोप है इसका कोई लेना देना है, कहीं कनेक्शन दिख रहा है आपको इसमें, नहीं भैया, इतना तो बुद्धि है यार, इतना तो लगा ही सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इसके बारे में, समीशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, इधर टी है इधर ही ए भी है, ध्यान से देख लो भाई, ए इन टू टी अभी मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, प्लस यहाँ आ गया हमें, ये रुका हुआ है पुली, ये रुका हुआ है, तो यहाँ का जीरो प्लस जीरो आ गया, फिर यहाँ आ गया मैं इस पुली पर, इस पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट भी नीचे बी से जा रहा है, ये पॉइंट भी नीचे बी से जा रहा है, टी लेकिन ऊपर की तरफ है, यहाँ भी टी ऊपर है, क्या लिखेंगे, माइनस बी टी लिखेंगे। फिर यहाँ आ जाओ, ये पुली रुका हुआ है देखो, ये भी रुका हुआ है, इसका क्या हो जाएगा जीरो, इसका भी क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बचा कौन, देखो ये ऊपर टी लग रहा है, ये जाओ ऊपर कितने से रास्ते से, क्या लिखेंगे, क्योंकि टी ऊपर लग रहा है तो हम टी प्लस टी इंटू सी इक्वल टू जीरो, अभी समझ में आया, तो टी तो जीरो नहीं है, तो ए माइनस बी माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी ए प्लस सी इक्वल टू टू बी, इक्वेशन नंबर वन। ये इक्वेशन समझ में आ गया कैसे लिखा सर। अब बात करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो इस पे कौन कौन से फोर्स है, तो आप देखो केवल टी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, टी इक्वल टू एम ए तो लिखोगे, ये इक्वेशन नंबर टू होगी हमारी। इसके लिए देखो अब आप इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, टू एम जी लगेगा इसके, लेकिन जाओ ऊपर रहा तो क्या लिखोगे आप इसके लिए, टी माइनस टू एम जी
इक्वल टू 2m इंटू सी लिखोगे ना, ये कुछ नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर अब इसके लिए देखो, आप इसके लिए देखो, तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है, कैपिटल m इंटू जी, तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टू टी, क्योंकि जो पुली है इस पुली का मास तो जीरो ही है, इक्वल टू क्या लिखोगे, एम इंटू बी। आप देखो इक्वेशन कौन सी है, फोर, अननोन भी फोर है, इक्वेशन भी फोर है ना, अननोन फोर है कि नहीं, देखो ए बी सी डी, और तो जितने अननोन है एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्लियर है सबको? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, सर एक सेकंड ऊपर करो ना, वो लिखना है। हाँ, ये कौन सा वाला, ये वाला कि उसके, ये वाला सॉल्यूशन लिखना है ना आपको, तो लिखो। हाँ हाँ सर, एक डाउट है सर। हाँ पूछो सर। बी नीचे जाएगा कैसे समझा सर? नहीं वो तो मैंने मान लिया। अच्छा, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि बी नीचे जाएगा तो कैसा क्यों समझा आपने, बिल्कुल सही है, ऊपर भी जा सकता बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, मान लो बी की वैल्यू आ गई मान लो प्लस थ्री, तो जो डायरेक्शन आपने माना वहां प्लस थ्री आ गया, इसका मतलब नीचे। अगर ये वैल्यू आ जाती है मान लो माइनस थ्री, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो थ्री है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऊपर की तरफ है। यानी आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आएगी प्लस या माइनस, अगर माइनस आई आपने जो माना उसके हिसाब से माइनस आई, इसका मतलब उसके अपोजिट जा रहा है वो, ऐसे समझना है। ठीक है जो भी रहेगा नहीं मालूम, वो अपने आप एडजस्टमेंट होगा, हो सकता दोनों नीचे आ रहे हो, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही नीचे आ रहे हो। हाँ सर, लिख के हो गया, हो गया ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन है मान लो हमारे पास में, इसमें मान लो दो रोप है, अब ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, चलो दो रोप वाला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे ये मान लो क्वेश्चन है हमारे पास में, आप देख रहे हो कि ये पुली मूवेबल पुली है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, नहीं ये नहीं मूव नहीं कर रही, ये वाली मूव नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ फिक्स हो गए ना इससे, ये जैसे ये फिक्स है वैसे ये भी फिक्स है। ये हमारे पास में ए, लेकिन सब मासलेस पुली है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी है, हमें इनका एक्सेलरेशन भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए, है ना। तो फाइंड दी एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स ए बी सी एंड डी, एंड ऑल्सो फाइंड also find the tension force in ropes, okay। ये हमारे पास में दिया है, तो मैंने मान लिया कि
ये 2 kg है, ये 4 kg है, ये 6 kg है और ये 8 kg है, और जी की वैल्यू मैंने ले लिया 10 m/s² मान लो। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें दो रोप है, देखो कैसे कौन कौन सी रोप है। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा रोप कौन कौन सी बता रहे हैं सर यहाँ, कुछ लोगों को भी कुछ नहीं दिखाई दिया है ना, तो जिनको नहीं दिखाई दिया उनको बता देता हूँ। ये रोप दिख रहे हैं यहाँ से, ये रेड है ना, ये यहाँ से आते, ये एक रोप हो गई। दूसरी रोप कौन सी है, ये वाली, बात क्लियर है भाई सबको। तो क्या करेंगे, वैसे तो पूरे सिस्टम के लिए लगा सकते हैं लेकिन आप कभी नहीं करना है, क्या करेंगे अलग अलग लगाएंगे, क्या करना है अलग अलग लगाएंगे, इस रेड के लिए अलग लगाएंगे, ब्लू के लिए अलग लगाएंगे है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, मैं इसको ऐसा कर लूँ क्या, दिख रहा है ना साफ, दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ क्या करेंगे, एफबीडी बनाते हैं। टी 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 और टी, और ये भी टी, और ये भी टी, और यहाँ इस पुली को देखो बाबा, ये पुली क्या है, मासलेस है, पुली क्या है, मासलेस है। तो अब एक बात ध्यान देखिए, आप यहाँ एक चीज और सीखोगे कि पुली पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि मास जीरो ना, एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर मैंने मान लिया कि ये T1 है, इधर मैंने मान लिया ये T1 है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको, 4 × g, ये B है और ये ब्लॉक पीस के साथ में अटैच है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, 2 × g। डाउनवर्ड क्या लग रहा है, 6 × g। तो ये भी T1 है, 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 और इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, 8 × g। ठीक है, अब ब्लॉक ए का किधर मानना है, मैं सब ब्लॉक का नीचे मान रहा हूं, मालूम एक्सेलरेशन। आप कहेंगे सर क्यों, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसलिए मान लेता हूं। तो सबका एक्सेलरेशन मैंने नीचे मान लिया, इसका भी नीचे मान लिया, सॉरी उसका बी माना तो फिर इसका तो अलग मानूंगा ना, इसका मैंने सी मान लिया और इसका डी मान लिया, वो भी नीचे मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ये पुली भी तो मुंह कर रही है, इस पुली का भी मानना पड़ेगा, इस पुली का क्या माने भाई, तो मैं नीचे मान लेता हूँ पुली का, तो मैं ई मान लू, ये पुली का एक्सेलरेशन ई है, है ना, क्योंकि मुंह कर रहा तो उसका मानना पड़ेगा है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो सब में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रेड का देखो, पहले रेड वाली पुली कौन सी थी यहाँ, तो रेड रेड वाली रॉप कौन सी, ये वाली है,
इसी को देखेंगे फिर हम लोग। ये इसके लिए कंस्टेंट लगाओ, तो समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो गया, जीरो। यहां देखो ये पुली किधर जा रही, नीचे ए से जा रही, तो ये पॉइंट भी तो नीचे ए से जा रहा है, पॉइंट भी तो नीचे ए से जा रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस टी ए माइनस टी ए। फिर आ जाओ यहाँ, ये फिक्स है, ये फिक्स है, क्या हो गया जीरो प्लस जीरो। फिर यहाँ आ जाओ, ये नीचे कितने से जा रही है, ई से जा रहा है, और टी किधर है इसका, ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, माइनस टी इंटू ई इक्वल टू जीरो। खत्म इसका नहीं, बस इतना ही। तो टी तो यहाँ जीरो नहीं है इस केस में, तो कितना हो गया, माइनस टू ए माइनस ई इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो कि टू ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई क्वेश्चन नंबर वन। अब आप देख रहे हैं माइनस आना ही था, क्योंकि दोनों ही नीचे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, लेंथ अपने आप में थोड़ी बढ़ रही हो, तो इनएक्सटेंसिबल है, तो टोटल लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए एक को माइनस आना ही पड़ेगा। इसका मतलब एक नीचे आ रहा तो एक को ऊपर जाना पड़ेगा, बात समझ में आई, ऐसे करना है। फिर चलते हैं दूसरी रो के लिए, यानी यहां से स्टार्ट किया मैंने, तो ये रोप गया, ये रोप गया, ये रोप गया, ये रोप गया, यहां तक जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहां से, बी से, है ना। तो समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, है ना, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, नीचे जा रहे हैं तो माइनस टी वन बी। अब आगे इस पुली पर, तो ये किधर जा रही पुली, नीचे जा रही ई से, तो ये पॉइंट भी एस ई से नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, नीचे टी वन है, तो प्लस टी वन ई प्लस टी वन ई। यहाँ आ जाओ, ये पुली नीचे कितने से जा रही है, डायरेक्ट कनेक्शन में इसके सी से जा रही है, तो इस पॉइंट को देखो, सी से नीचे जा रहा है, पॉइंट किधर जा रहा है, सी से नीचे जा रहा है, तो माइनस टी वन सी माइनस टी वन सी, ये भी हो गया। अब यहाँ आ जाओ, फिक्स है, तो जीरो प्लस जीरो। यहाँ आ जाओ, किधर जा रहा है, नीचे टी ऊपर है, तो माइनस टी डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टी वन भी यहाँ जीरो नहीं है, क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस टू ई माइनस टू सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, यानी टू ई इक्वल टू बी प्लस टू सी प्लस डी, इक्वेशन नंबर टू। ये कंस्टेंट समझ में आया? हाँ सर, यस सर, किसी को भी डाउट नहीं है ना, चलो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे तो आप लोगों को पढ़ाने में उतनी दिक्कत आती नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ से चलते हैं इस कहानी को, यहाँ से इसका देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था हमने, तो इसको देखो अब आप, ये सॉरी टी इसका नहीं है, हमने गलत ले लिया है, ये टी वन जो है ये किसका है, ये तो इस वाले का है, तो ये हमारे पास में ये यहाँ से आ गया। फिर हम लोग इस पुली का भी देखेंगे, फिर मैं इसका भी देखूंगा, फिर इसका भी देखूंगा, ठीक है, फिर मैं इसका भी देखूंगा। यहां तक क्लियर है? पहले ब्लॉक ए के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ये ब्लॉक ए यहाँ है, ब्लॉक ए कहाँ है, यहाँ है, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी कहाँ है, यहाँ है, ब्लॉक सी कहाँ है, यहाँ है, ब्लॉक डी कहाँ है, यहाँ है। तो पहले ब्लॉक फोर ए, आप देखो ऊपर क्या लग रहा है, टी टी, और नीचे क्या लग रहा है, टू जी, और नीचे की तरफ ये, तो टू जी माइनस टू टी इक्वल टू टू इंटू ए,
इक्वेशन नंबर थ्री, फिर ब्लॉक बी, तो 4B, B के लिए गया तो नीचे कितना है 4G, ऊपर कितना है T1, तो 4G माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू बी, इक्वेशन नंबर 4। फिर अब पुली भी तो है हमारे पास में, ये पुली का नाम देते हैं, यानी P पुली है, मान लो हमारे पास में ये पुली P है, तो कौन सी P पुली की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है, इसका मास तो जीरो ही है लेकिन नीचे जा रहा है, तो 4 पुली पी। तो देखो पुली पे कौन कौन लग रहा है, पुली पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर टी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है टी वन, टी वन लग रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या लिखोगे 2T1 माइनस टी इक्वल टू मास तो जीरो ही है, एफ इक्वल टू एम ए इन टू ई इक्वल टू जीरो, यानी 2T1 इक्वल टू क्या आ गया टी, इक्वेशन नंबर 5। आगे चलते हैं, आ जाओ ब्लॉक सी पर, ब्लॉक सी और पुली ये तो साथ में चल रहे हैं, पुली मास लेस है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 2T1 और नीचे 6G, तो 4C, तो 6G माइनस 2T1 इक्वल टू 6 इंटू सी, इक्वेशन नंबर 6। फिर आ जाते हैं डी पर, डी वाले ब्लॉक पे देखो नीचे 8G लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है, तो 4D, डी की बात करेंगे तो 8G माइनस T1 इक्वल टू 8 इंटू डी, क्वेश्चन नंबर 7। आप देखो अननोन कितने मालूम, यहाँ ए बी सी डी ई T1 T2 सॉरी T1 एंड टी, आई बात समझ में, तो 7 अननोन है तभी तो 7 इक्वेशन मिली, 7 अननोन है, 7 अननोन से और 7 इक्वेशन से, तो करना नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको समझ में आए ना कि रोप में कैसे लगाना है, 2 रोप है 3 रोप है तो कैसे लगाना है, समझ में आया, समझ में आया सर। इक्वेशन नंबर 2 कैसे है वो समझा सकते हो क्या, क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ब्लू, इस ब्लू को देख रहे हैं आप, ब्लू की जगह रेड हो रही है ना, देखो यहाँ से वापस से जाओ, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से बी से स्टार्ट करो, क्या लिखा देखो, T1 ऊपर है, T1 किधर है, T1 ऊपर है, बी नीचे है, क्या लिखा मैंने, माइनस टी बी लिखा, फिर आ जाओ यहाँ इस वाली रोप पे आ जाओ, किस पर, इस पुली पी पर आ जाओ, आप देख रहे हो कि ये रोप इधर नीचे टी है, इसका भी T1 नीचे है, इसका भी T1 नीचे है और ई इस पुली का नीचे ही है, तो क्या लिखा T1E, समझ में आया, हाँ सर। फिर यहाँ आ जाओ, इस वाली पुली पर आ जाओ, इस ब्लॉक के यहाँ, सी ब्लॉक के यहाँ, इस पुली को देखो, नीचे इसका एक्सेलरेशन क्या है, सी है, और इसका भी नीचे इस पॉइंट का भी सी होगा, इस पॉइंट का भी सी होगा, तो क्योंकि पुली और ये ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे, तो क्या जाएगा माइनस टी सी माइनस टी वन सी, क्योंकि टी वन ऊपर लग रहा, सी नीचे की तरफ है। फिर आ जाओ यहाँ इस वाली पुली पर, ये रुका हुआ है, तो 0+0 आ गया। अब आ जाओ इस वाली रोप के यहाँ इस एंड पर, नीचे क्या है डी है, ऊपर क्या है टी वन है, क्या लिखेंगे माइनस टी वन डी लिखा, इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया, अभी भी समझ में नहीं आया, वापस से नोट्स जो है ना रिवाइज करना, अरे बेटा अभी आपको थोड़ी पता है, तो मुझे पता है, तो आप कह रहे हो समझ में आ गया है, मुझे मालूम है ना कितना समझ में आया है, अभी क्वेश्चन दूंगा फिर पसर जाओगे, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है चलो। तो ये तो आज जब रोप स्ट्रेट है, अब मान लो रोप स्ट्रेट नहीं है, रोप रोटेट कर रही है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रोप इज रोटेटिंग, रोप क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, अब कैसे रोटेट कर रही है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास में ग्राउंड है,
ये पुली जो कि फिक्स है, यहाँ ये रॉप है और यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ से इस रॉप को हम लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है इस इंस्टेंट पर, ये एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी निकालना है अपने को। ये मान लो यू दिया हुआ है, ये जो एंड है ये यू से इसको पुल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी रॉप क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। इस केस में कह रहा फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट, एट गिवन इंस्टेंट, ओके, इस इंस्टेंट पर। इस इंस्टेंट पे बताना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है। समझ मारा है ना भाई, क्योंकि क्या होगा, अब आप कहेंगे सर रोप कैसे रोटेट करवा दी आपने, ऐसे रोटेट करा दी भाई, सर हैं सर तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले यहाँ था, ये ब्लॉक यहाँ है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जब इसको इधर खींच ही रहे हैं तो ब्लॉक यहाँ आएगा, तो रोप यहाँ हो जाएगी। अब तो समझ में आ गया, रोप रोटेट कर, मतलब डिक्रीज तो कर ही रही, साथ में रोटेट भी कर रही है। अभी तक ऐसा हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, फिर यहाँ लिया है, मान लो आप यहाँ आ गया, रोप रोटेट हो रही, नहीं हो रही है। अरे बेटा रोप रोटेट हो रही है, सुन में आ रहा है, ले तब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अगर वेलोसिटीज गिवन है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटीज गिवन है, तो फिर आप ये रिलेशन जो होता है ना, ये वाला रिलेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। कौन सा वाला, इस जगह पर ये वैलिड नहीं है, कौन सा, समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अरे बेटा आप ये बताइए, देखते हुए भी चीजें नहीं दिख रही, तो उसका तो क्या करूं यार मैं। बेटा रोप यहाँ थी ना पहले, देखो ना आप, फिर रोप यहाँ आ गई, देखो ना, फिर रोप यहाँ आ गई तो रोटेट करती हुई नहीं आ रही है, नहीं समझे, अभी भी नहीं दिखाई दिया, समझा, अरे वाह, मतलब दिख गया ना आपको, हाँ, इट इज नॉट वैलिड, कहा यहाँ पर ये वैलिड तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, तो यहाँ भी वैलिड है, तो हमें तो टी चाहिए था, कैसे निकालेंगे देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो इधर क्या लग रहा है इसको टी, इस पॉइंट को इधर क्या लग रहा है टी, इधर क्या है यू, तो यहाँ क्या हमारे पास में ये ब्लॉक है, है ना,
तो रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आइडियल पुली है, तो दोनों साइड टेंशन क्या होगा पुली के यहाँ सेम होगा। ये क्वेश्चन है, ये गिवन इंस्टेंट अपने को बताया कि एंगल थीटा है, हमें इसके वेलोसिटी बताना है। इसके क्या करना है अपने को, वेलोसिटी फाइंड करना है। लगाते हैं चलो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, समीशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। आप देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो टी और इसके बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे टी वी कॉस 90 माइनस थीटा। ये समझ में आया कैसे लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ये पुली यहाँ देखो रुकी हुई है, इसका टी जीरो मतलब टी जीरो नहीं टी वेक्टर डॉट वी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो किसका, एक तो इसका और एक इसका। यहाँ देखो यू इधर है टी पीछे, तो माइनस टी यू इक्वल टू जीरो, क्या हो गया टी तो यहाँ जीरो नहीं है, तो क्या हो गया वी साइन थीटा इक्वल टू यू हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो वी इक्वल टू कितना आ गया यू बाई साइन थीटा, यही आंसर है। ये समझ में आया तो आगे चलें। यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं ना भाई किसी को भी, चलो भाई फिर इसके बारे में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इसके वर्टिकल कंपोनेंट का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वर्टिकल में मूव कर ही नहीं रहा हो तो उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। वर्टिकल में कहाँ उसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की, ब्लॉक की तो ओरिजेंटल है ना, ओरिजेंटल जा रहा है ना, देखो ना ओरिजेंटल मूव कर रहा है, तो वर्टिकल जो टेंशन का कंपोनेंट है वो mg और नॉर्मल इनसे बैलेंस हो रहा है वो, तो और क्या, ये तो ऐसे जा रहा है। ओके सर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मान लो ये एक रिंग है, स्मॉल रिंग है, और ये एक वायर है या रॉड है, मान लो पतला सा रॉड है, इसको हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है रॉड को, स्मूथ रॉड है, और इसमें रिंग को पिरो रखा हमने ऐसे, है ना, और इस रिंग को एक रोप से ऐसे हमने बांध दिया, और यहाँ ये पुली है, इस पुली को फिक्स कर दिया, और इस रोप यहाँ से होती हुई आ रही है, तो यहाँ इस दूसरे एंड पर रोप के दूसरे एंड पर एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ए ब्लॉक है और ये बी रिंग है, और ये इस इंस्टेंट पर ये जो एंगल इसका है मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये नीचे की तरफ जा रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें बताना है कि जो रिंग है उसकी वेलोसिटी क्या है गिवन इंस्टेंट पे बताना है। तो फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ रिंग बी एट गिवन इंस्टेंट, एट गिवन इंस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है, इसको ट्राई करेंगे क्या कि मैं बताऊं, ट्राई करिए, चलो करिए करिए। सर 20 आता है क्या आंसर? नहीं आंसर, हाँ एक मिनट, इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल 20 है, वेरी गुड। हो गया भाई, देखो कैसे करेंगे, पीछे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सर एक मिनट। हाँ करो करो, ठीक है। हो गया सर। अरे वाह, बोल। हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखो कैसे करेंगे। आप पे देखो, सबसे पहले ये रिंग किधर मुंह करेगा, हमेशा ओरिजेंटल में, और किधर मुंह करेगा, इधर मुंह करेगा लॉजिकली, तो अगर आप देखो तो इधर ही जा रहा है ना, है कि नहीं? क्योंकि ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये लेंथ बढ़ रही है ना, तो ये लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है। तो इसी के लिए बना लेते हम लोग। तो आप देख रहे हो कि रिंग ये है, तो रिंग की वेलोसिटी मैंने मान लिया बी है, इसको टी लग रहा होगा यहाँ, ये भी टी, ये भी टी, और ये टी है, और ये टी है, ये ब्लॉक ऐसा है। नीचे कितने जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया हमने, 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास में, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, टी वी कॉस 60 है ना, यहाँ के लिए देखेंगे, और यहाँ के लिए जीरो, यहाँ के लिए जीरो, क्यों, क्योंकि पुली रेस्ट पर है, तो जीरो है ना, मतलब प्लस जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ देखो आप, यहाँ का ये किधर जा रहा है, नीचे, क्या लिखोगे, माइनस 10 इंटू टी इक्वल टू जीरो। अब टी तो इस केस में जीरो नहीं है, तुम्हारे पास क्या आ गया, v बाई टू माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये समझ में आया? यस हाँ सर। हाँ तो इस तरह से करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं ना।
ये हमारे पास में है, यहाँ देखो ये यू से नीचे जा रहा है और ये यू से नीचे जा रहा है सिमेट्रिकली है, और किसी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, सिमेट्री है, तो हमें बताना है ये जो ब्लॉक ए है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस इंस्टेंट पर, है ना। तो फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एट गिवन इंस्टेंट, एट गिवन इंस्टेंट, यानी इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, किसकी, ब्लॉक की। तो सिमेट्रिकली है तो सिमेट्रिकली ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर, ब्लॉक सिमेट्रिकली ऊपर जाएगा ना ऐसे। तो चलो करते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये रोप अलग है, ध्यान रखना है ये एक ही रोप नहीं है, ये रोप अलग है, ये रोप अलग है, और ये ब्लॉक को ऊपर लेके जा रही है दोनों मिलके। तो क्या करेंगे यहाँ मैं बताता हूँ ये वाला, तो फिर आपको और देता हूँ मैं। तो इधर की बात ही मत करो क्योंकि अपने को तो एक ही रोप से लेना देना है ना, तो इसको तो मैं कनेक्ट ही कर लेता हूँ इसे। यहाँ आप देख रहे हो कि इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, यहाँ इसको इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, ये टी है, ये टी है, सॉरी इधर ब्लॉक नहीं है, इधर ये यू से इसको खींच रहे हैं, ओके। तो आप यहां देखो ये जो एंगल है यहाँ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये किधर जा रहा है, हमने इसको ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो मैंने मान लिया कि ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, यानी ये जो ब्लॉक है यहाँ मैंने मान लिया कि ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसी रोप के लिए लगाएंगे ना हम लोग, रोप तो ये एक ही है। तो समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ टी वी कॉस थीटा प्लस इसका जीरो, इसका जीरो, जीरो प्लस जीरो, और एक इसका, तो यहाँ भी टी है लेकिन माइनस टी यू इक्वल टू जीरो, तो टी तो यहाँ जीरो नहीं है, हो गया वी कॉस थीटा इक्वल टू यू, यानी वी इक्वल टू आ गया यू बाई कॉस थीटा, तो ये आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इस तरह से, ये बात समझ में आई सर। वो उस रोप का नहीं आएगा, उस रोप का क्या लेना देना मुझे, मुझे तो इसी से मतलब था, इसी रोप, इस रोप की टोटल लेंथ क्या रहेगी, यहाँ इस रोप की यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कांस्टेंट है ना, तो मैं सिर्फ इसी रोप के बारे में बात करूंगा, ये लेंथ इस रोप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो जैसे कि यहाँ एक पुली है, ये पुली फिक्स है, ठीक है।
और ये जो एंगल यहाँ दिया है ये थीटा वन है, और ये जो एंगल मैंने मान लिया थीटा टू है, ये मान लो इधर की तरफ वी वन से जा रहा है और ये इधर वी टू से जा रहा है, ओके। तो आपको रिलेशन बताना है वी वन थीटा टू वी टू में क्या रिलेशन होगा। ये एक ही रोप है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, ये ब्लॉक बी मान लेते हैं, ब्लॉक ऐसे रोप स्टार्ट हो रही है ऐसे, तो फाइंड द रिलेशंस एंड रिलेशन बिटवीन या अमंग फाइंड द रिलेशन among v1 v2 theta 1 and theta 2। स्वर तो इसको हो गया, वेरी गुड। हो गया भाई? यस सर। अरे वाह, चलो देखो कैसे करेंगे, जिनसे नहीं हुआ फिर से देख लो। हो गया सर, सबसे हो गया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया तुम लोग, बहुत सही यार, क्योंकि ये टॉपिक समझ में आ गया ना बेटा, फिर तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये अभी थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है वैसे, लेकिन ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसमें एक चीज और पता चलेगी आपको कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। ये जो चैप्टर है ना आपका आईक्यू टेस्ट करता है, मालूम है? चलो देखो, फिर भी कुछ तो बच्चे होंगे ही ना, ये भी एक बार तो बता ही देता हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे,
ये टी और ये टी और ये टी, ये इधर कितने से आ रहा है बी टू से, ये भी टी और ये इधर कितने जा रहा है बी वन से, हमने ये एंगल माना ना थीटा वन, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखना होता है, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा वन, इधर ये एंगल लिया हमने ना थीटा टू, एंगल किस दोनों के बीच में देखते हैं, ये स्मॉलर एंगल देखते हैं, याद आ रहा है ना जीरो और 180 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा टू, लगाओ कॉन्सेप्ट, समेशन टी वेक्टर एक मिनट रुको यार, डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो आप देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ, तो क्या हो जाएगा टी वी वन कोस 90 माइनस थीटा वन प्लस इसका जीरो और इसका जीरो, क्योंकि ये पुली तो रेस्ट पर ही है, तो जीरो प्लस जीरो, यहाँ देखो आप V2 और T में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा 2, तो T V2 cos 180 माइनस थीटा 2 इक्वल टू जीरो, यानी T क्या है यहाँ जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगा V1 sin थीटा 1 और यहाँ क्या मिलेगा आपको माइनस cos 180 माइनस थीटा 2 क्या होता है माइनस cos थीटा 2, तो V2 cos थीटा 2 इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास आ गया V1 by V2, ये रिलेशन हो गया इक्वल टू cos थीटा 2 by sin थीटा 1, ये आंसर आना चाहिए, बात समझ में आ गई। अब इसी को मॉडिफाई करते हैं, मान लो पुली भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मान लो यही पुली ऊपर की तरफ मूव कर रही है B स्पीड से, टी टी टी, और ये जो एंगल यहाँ ये थीटा वन है, और ये मान लिया मैंने इधर जा रहा है बी वन से, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया हो है ना, ये टी है, मतलब उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने, और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, लेकिन इस हाथ में पुली फिक्स नहीं है, है ना, ये इधर के इधर अब जा रहा है बी टू से, और यहाँ ये जो एंगल है ये थीटा टू है, अब बताओ रिलेशन क्या होगा,
लोग भी ट्राई करियो थोड़ा और, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। हो गया सर, हो गया सबने। अरे तो आप लोगों ने क्या ना, बाकी भी तो बच्चे बेचारे, उनके लिए भी बता देता हूँ यार। हाँ बता दूं क्या, एक बार सॉल्यूशन तो निकाल दूं। तो क्या होगा यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, ये एंगल कितना होगा थीटा वन, फिर एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा वन, ये थीटा टू है तो ये 90 माइनस थीटा टू है, तो फिर एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा टू है, होगा, क्योंकि दोनों का सब मिला के क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो लगाओ समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा वन, तो टी यानी वी वन टी कॉस 90 माइनस थीटा वन प्लस वी टी कॉस 180 माइनस थीटा वन प्लस वी टी कॉस 90 प्लस थीटा टू प्लस ये एंगल 180 माइनस थीटा टू, तो टी वी टू कॉस 180 माइनस थीटा टू, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, टी इस केस में जीरो नहीं है, रहेगा वी वन साइन थीटा वन माइनस वी कॉस थीटा वन माइनस वी साइन थीटा टू माइनस वी टू कॉस थीटा टू इक्वल टू जीरो। यानी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू कॉस थीटा टू इक्वल टू ये हो जाएगा वी इंटू कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो ये रिलेशन आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से करना था, बात क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होता है, चलो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि तो फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास में हमने कहा कि ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे अगर दिया होगा तो, है ना, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको थोड़ा पेशेंस से समझना पड़ेगा।
कि एक्सेलरेशन की बारी आएगी तो क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ कि कैसे लगाएंगे, है ना। तो मैं यहां से ले रहा हूँ भाई, ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन लिया था उसी को ले रहा हूँ मैं। मान लो कि ये ब्लॉक है, और ये रॉप से हमने बांधा हुआ है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा दिया हमें, इसका एक्सेलरेशन बताना है, किसका, ब्लॉक का, है ना। और ये मान लो जो ए पॉइंट है यहाँ, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हमें ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और वेलोसिटी फाइंड करनी इस इंस्टेंट पर। तो फाइंड दी एक्सेलरेशन, अच्छा ये जो हाइट है ना यहाँ, ये हाइट कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं करेगी, इसको मैंने मान लिया कि ये एच है, मान लो, है ना, ये हाइट क्या है, एच है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द गिवन इंस्टेंट, है ना, इस गिवन इंस्टेंट पर अपने को इसका एक्सेलरेशन बताना है, वेयर एंड ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटीज क्या कर रहा है, जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो अब यहाँ देखो आप, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, उससे तो नहीं आएगा, क्या करेंगे फिर, इसको ऐसा करेंगे, जब भी ड्रॉप, ये उसी केस में है, लेकिन जब ड्रॉप रोटेट करेगी, अगर रोटेट नहीं करते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना, इसलिए जब भी रॉप रोटेट करेगी तो उस समय ये पॉइंट समझना पड़ेगा, है ना। और आपको अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये वैलिड नहीं है, लेकिन कब वैलिड होगा ये भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन में मैं, कि रॉप अगर रोटेट करती है तब ये वैलिड हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसा है, पेशेंस रखना है, ठीक है, घबराना नहीं, क्या हो गया अचानक से। अब इसमें यही है कि जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो तो कर लेगा, और जो डिफरेंशिएशन भूल गया उसके लिए थोड़ी दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा वापस से डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास में है, मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इधर v है और इसका एक्सेलरेशन भी इधर मान लिया मैंने a है, और ये इस इंस्टेंट का दे रखा, तो ये एंगल तो वैसे देखा जाओ तो थीटा वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट थोड़ी है थीटा, है ना, ये ऊपर बताया था मैंने आपको क्यों वेरिएबल है। ये देखो थीटा वेरी कर रहा है ना, देखो ना, पहले ये एंगल था, फिर ये एंगल आ जाएगा, फिर ये एंगल आ जाएगा, थीटा तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं। मैंने ये डिस्टेंस मान लिया कि x है, और ये जो लेंथ है मैंने मान लिया कि ये l1 है,
और ये मैं ये कह ही रहा हूं कि ये h है, और ये जो लेंथ है यहाँ इसको मैंने मान लिया कि l2 है, तो रॉप की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, l1 plus l2 equal to l, जो कि कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि रॉप इनएक्सटेंसिबल है, रॉप इनएक्सटेंसिबल है तो टोटल लेंथ भी कांस्टेंट हो गई। तो हम लोग l1 को, यानी l1 तो l1 ही रहेगा, l2 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ, l1 plus l2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हो क्या, सॉरी h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो क्या, इक्वल टू l लिख सकते हो क्या? तो आप देख रहे हो कि h क्या है यहाँ, कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। डिफरेंशिएट कर दें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल वन बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर हाफ, और इस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है, जीरो कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दिया तो डी एल वन बाई डी टी प्लस क्या हो जाएगा, पहले पूरे को क्या समझेंगे, टी टू पावर हाफ, तो हाफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर हाफ माइनस वन इन टू एच, इसका फिर से करेंगे तो डी बाई डी टी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू जीरो, डी एल वन बाई डी टी प्लस ये क्या हो गया वन बाई टू रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स इन टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हो कि टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया डी एल वन बाई डी टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ जीरो। ये समझ में आया पहले तो, अब तो मैं आगे की बात करूं। सर यस बेटा, ये नहीं पूछना कि डिफरेंशिएशन कैसे किया है, समझ में आई बात? हाँ, ये नहीं पूछना है, मैं फिर कह रहा हूं इतनी लापरवाही पसंद नहीं है, डिफरेंशिएशन सब भूल गए हैं, जब इतने दिनों से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर पढ़ाया जा रहा था क्या कर रहे थे बेटा? मैंने कहा था ना इसके बिना फिजिक्स नहीं हो सकती, आज वापस से पढ़ो, नहीं होता डाउट पूछो, फिर कॉन्सेप्ट में पूछो कि यहाँ एनएलएम के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? पूरा दो महीने लगाए थे इस वाले चैप्टर में यार, और आप मेरे से भी वापस से वही पूछने वाले हो कि सर कैसे किया, ऐसे किया जैसे भी कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो dx by dt क्या है, यहाँ v है कि नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। x क्या कर रहा है लेकिन, यहाँ बताया था डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो अब यहाँ देखो l1 क्या कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इधर जा रहा है, l1 इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ फिक्स है, तो डी एल वन बाई डी टी क्या हो गया, यू प्लस x by root h square plus x square क्या है, ध्यान से देखो, अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, x square plus h square क्या देगा, ये sin थीटा देगा, और ये क्या देगा, माइनस भी देगा, इक्वल टू जीरो। आपको याद है, यही तो आंसर में लाया था, इसलिए वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, समीशन t वेक्टर डॉट v वेक्टर हमेशा वैलिड है, क्योंकि यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट से वही आंसर आ रहा है, मतलब वो उस जो कॉन्सेप्ट से था आंसर, वही दूसरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से भी सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। लेकिन अभी इसमें देखो आप एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये वाला रिलेशन मिलेगा ही नहीं अपने को वहां, है ना। और वैसे भी यहाँ देखो मैम, तो एक्सेलरेशन इसका तो एक्सेलरेशन जीरो ही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लिखा है मैंने एंड ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ए का एक्सेलरेशन जीरो हो गया है,
जबकि मैं तो एक्सेलरेशन बी का पूछ रहा हूँ कि बी का एक्सेलरेशन क्या है, इसका मतलब यहाँ आप रिलेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट, उससे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर उसके हिसाब से चलेंगे तब तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, जबकि यहाँ जीरो नहीं आएगा। अभी एक्सेलरेशन बताता हूँ मैं क्या आएगा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना भाई, बात समझ में आई मैंने क्या कहा? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, कैसे, डी एल वन बाई डी टी प्लस एक्स इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस जगह पर, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से तीन फंक्शन हो गए, तो क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो दो को कॉन्स्टेंट रखेंगे, एक का करेंगे और ऐसे प्लस करते जाएंगे, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एल टू सॉरी डी एल वन ही है, एल टू तो ही नहीं, डी एल वन यानी क्या हो जाएगा, डी एल वन टू सॉरी डी टू एल वन बाई डी टी टू एक प्लस, पहले इसका करेंगे बाकी को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी टी प्लस, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो एक्स डी एक्स बाई डी टी को कॉन्स्टेंट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस हाफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ माइनस वन इंटू, अब इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो जीरो प्लस टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस, अब एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो डी टू एक्स बाई डी टी टू, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी टू एल वन बाई डी टी टू प्लस वह क्या हो गया हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ देखो आप, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या मिलेगा देखो, यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू, और यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन आएगा। आगे भाषण में तो अब पहले तो यहां देख लेते, अगर मैं ये कहता इफ यू इक्वल टू जीरो और वी इक्वल टू अगर जीरो है, तो ध्यान से देखिएगा, यू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया और वी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी हो गया, तो देखो यहाँ क्या रहा है, डी टू एल वन बाई डी टी टू प्लस ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो, कितना आ गया देखो, एक्स बाई रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी टू एक्स बाई डी टी टू, और अगर मैं कहता कि इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये क्या है जीरो, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, अगर अच्छा इस केस में बात करते चलो हम लोग, इस केस में पॉइंट ए का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक ही नहीं, तो फॉर दी गिवन केस एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या मान रहे हैं हम लोग, यहाँ ए मान रहे हैं, तो यहाँ क्या रहा है, ये तो जीरो आ गया प्लस ये भी जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू क्या जाएगा भाई, ये जीरो नहीं भी नहीं है मान लो, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या चीज है देखो, ये हो गया डी टू एल वन बाई
डी टी टू प्लस ये क्या है, देखो साइन थीटा ही तो है, और ये डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू क्या रहा, जीरो. तो इफ सॉरी यहाँ हाँ सिंस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज जीरो, यानी ए ए इक्वल टू जीरो, तो अगर ऐसा है तो यहाँ रखो, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है डी टू एल वन बाई डी टी टू ही तो है, और ये जीरो आ गया तो क्या हो गया, जीरो प्लस साइन थीटा डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू जीरो. तो आप देख रहे हो कि साइन थीटा तो इस केस में जीरो नहीं है, तो डी टू एक्स बाई डी टी टू क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी ए भी इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, वो क्या रहा, देखो जीरो आ रहा है. लेकिन ये किस केस में आएगा, इस वाले केस के लिए जब इनिशियल वेलोसिटीज क्या होना चाहिए, जीरो होगी. अगर वेलोसिटीज जीरो है तभी आएगा, तब तो इसका मतलब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी वैलिड हो जाएगा यहाँ, है ना, कौन सा समीशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो. लेकिन कब वैलिड होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी, उस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ. जैसे नेक्स्ट सर, ये तो पहला पॉइंट हो गया. हाँ सर, ऊपर ले सकते हो क्या, वो लिखना था क्या, लिखना है आपको, लिख लो कौन सा लिखना था, थोड़ा ऊपर यहाँ की कह रहे हैं आप, रुको अभी. तो यहाँ देखो अब आप, अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जब वेलोसिटी जीरो है तो उस केस में हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, तो सिंस डी टू एल वन बाई डी टी टू प्लस साइन थीटा डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज ए ए एंड देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, तो ये आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो डी टू एल वन बाई डी टी टू क्या आ जाएगा यहाँ, ए ए प्लस साइन थीटा, और वो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो. तो ए ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ, ए बी साइन थीटा. तो ये कब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला आपका आप लगा सकते थे यहाँ, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको ताकि इसका भी झंझट ही खत्म हो जाए. अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ए है, तो ये पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, तभी हम बात करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन है ना. तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और इसका एक्सेलरेशन ए बी. तो आप देखो यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कौन सा, ये भी जो सीखा हमने, मान लो इधर ये टी है, तो इधर भी क्या होगा, टी टी, इधर क्या है टी, और इधर भी क्या है टी. तो हमारे पास ये वाला समीकरण, ये वाला कॉन्सेप्ट इस केस में आप लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कि इनिशियल वेलोसिटीज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो देखो यहाँ आ जाएगा क्या रहा, देखो टी ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, इसका जीरो, इसका जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो माइनस टी ए ए इक्वल टू जीरो. तो ए बी साइन थीटा माइनस ए ए इक्वल टू जीरो, तो ए ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा. यही तो रिलेशन यहाँ मिल रहा है. तो अब समझ में आया कि अगर वेलोसिटीज गिवन होगी तब ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वेलोसिटीज वो कहता है जीरो है तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. अब अगर वेलोसिटीज है तो फिर वो कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास में जो निकाला था अभी हमने, यानी ये रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन के बीच में. तो यानी आप देख रहे हो, अगर इसकी हम बात करते हैं, इस वाले की बात करेंगे, तो डी टू एल वन बाई डी टी टू
ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस केस के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो ये वाला से हम लोग बी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। कौन सा है बी का एक्सेलरेशन, क्या है यहाँ? ये वाला है डी टू एक्स बाई डी टी टू। तो मिल जाएगा आंसर अपने को भाई। ये वाला पार्ट साउंड में आया? यस सर। तो ये पेशेंस से समझना था। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये लिख लिया ना सबने? ऐसे तो मैं नोट्स शेयर करूंगा ही ना सर। वो लंबा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है? नहीं नहीं, कुछ याद नहीं करना है, याद थोड़ी करना है सब। ये तो नहीं, कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, इतनी एनर्जी थोड़ी लगाना है हमें। तो ये आ गया, क्योंकि वो फॉर्मूला तो हर बार चेंज होगा, तो कैसे याद करोगे? कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो कि ये पुली है और ये ब्लॉक है, अब किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं? तो इस इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ एट टी इक्वल टू जीरो पे। तो टी इक्वल टू जीरो पे सिस्टम को क्या किया हमने? रिलीज किया, तो वेलोसिटीज क्या होगी दोनों ब्लॉक की? जीरो होगी ना। तो मान लो अगर ये ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो बताओ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बता सकते हैं ना एट टी इक्वल टू जीरो पर, आ रही बात समझ में? तो एट टी इक्वल टू जीरो सिस्टम is released and acceleration of block A is given, then find the acceleration of block B at given instant, ठीक है ना? इस given instant पे बताना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? सॉल्यूशन देखो, ये ब्लॉक है, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? ये t होगा, ये t होगा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे कितने से आ रहा है? ऐसे, ये टी है, ये टी है, ये ब्लॉक है, और ये एंगल अपने को दिया है थीटा है, ये इधर कितने से आ रहा है? बी से। ये एंगल आपको पता ही है कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो लगा दो समेशन t vector dot a vector equal to zero, yani t b cos 90 minus theta plus इसका zero, इसका zero, क्योंकि इसका निकाला भी हमने, zero plus zero। अब यहाँ देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, t ऊपर है, तो minus a t equal to zero क्या हो गया, क्योंकि t तो zero नहीं है, तो t sin theta equal to a, ये relation आ गया, यानी b इक्वल टू आ गया a बाई साइन थीटा। तो ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी अब तो। यस सर, है ना? तो अब आप एनएलएम के अब तो कर सकते हो क्वेश्चन की नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आपको। तब डीपीपी में भी जितने भी क्वेश्चन है ना, आप कर सकते हो। अभी एक और, वैसे पुली स्ट्रिंग और ब्लॉक में एक कॉन्सेप्ट और रह गया कि ब्लॉक के ऊपर अगर ब्लॉक होगा तब कंस्टेंट कैसे लगाएंगे, यानी ये एक पार्ट रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। और मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपका टॉपिक कम्प्लीट भी हो जाए, क्योंकि बचा तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि सब पढ़ा दिया मैंने, स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया ना। अच्छा,
हाँ तो अब क्या करो, डीपीपी में जो क्वेश्चन आप कह रहे हो ना कि ओ, सर रह गए हैं कुछ क्वेश्चन पुली के इनके हैं, अब उन क्वेश्चंस को कर लो। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा कल है क्या क्लास की, परसों है? परसों है सर। तो टॉपिक हो जाएगा, नया टॉपिक हमारा फ्रिक्शन रहेगा फिर। तो आप इसके भी क्वेश्चन करना शुरू कर दो अब आप इस पे, कंस्टेंट मोशन के भी एक्सरसाइज वन में जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन कर डालो, क्योंकि उतना तो मैंने पढ़ा दिया आपको एक्सरसाइज वन में, जितना दिया ना उतना सारा कंप्लीट करा दिया, तो वो एक्सरसाइज वन पूरा कंप्लीट कर लो। आप सुडो फोर्स छोड़ देना, सुडो फोर्स वाला पार्ट एक है बस उसको छोड़ दो, बाकी सब कर लो। एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू दोनों सेक्शन कर लो। ओके एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू और डीपीपी okay, जो भी क्वेश्चन आप कह रहे हो कि छूट गए। चलो फिर ओके बाय बाय, मिलते हैं। बाय सर। बाय 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 सर। और अगर डाउट भी हो जैसे कुछ बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो पूछ लेते हैं, आते हैं तुरंत मैसेज ड्रॉप करते हैं सर आप एक्सप्लेन करोगे क्या, है ना, तो ऐसे पूछ लिया करो, नहीं समझ में समझ ले पूछ लो कि सर फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या, मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर ओके बाय बाय।